नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मरीज। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको लाइकोलिफ कैप्सूल के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह डॉक्टर हमें कब खाने की सलाह देते हैं और यह किस बीमारियों में सबसे ज़्यादा काम करता है। दोस्तों इस टेबलेट को खाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइकोलिफ कैप्सूल जो है यह एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल है। आपको जब भूख नहीं लगती है, आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं और आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, या आपको कैंसर का शिकायत होता है, या आपको चक्कर आता है, या नींद नहीं आती है, या आपका सीना दर्द करने लगता है, तो उस समय बहुत सारे मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चाहे तो आप फलों के रूप में उसे लें, या आप चाहे कैप्सूल या टेबलेट के रूप में लें, या आप सिरप के रूप में लें, जिससे आपके जो शरीर के अंदर विटामिन की कमी है वह आप पूरा कर सकें। दोस्तों जब शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो आपका शरीर ना विकास करता है और ना ही वह गेन करता है। दोस्तों जब आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे आपको चक्कर भी आने लगता है, आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती है, आपको दुधलापन भी दिखने लगता है, और आपके बाल भी पकने लगते हैं और बाल भी झड़ने लगते हैं, और आपके शरीर के अंदर बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगता है, और आपको भूख भी नहीं लगती है। तो उतने समय आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको चेक करवा करके आपको बीमारी जो है उसकी इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ चेकअप करवाते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर जो भी विटामिन की कमी हुआ है तो उससे पता चल जाता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो गई है। तो उस समय आपको विटामिन की कुछ कैप्सूलें या टेबलेट या सिरप खाने की सलाह देते हैं या पीने की सलाह देते हैं। अगर आप घर पर रह करके कुछ तरीका अपना करके अपने शरीर के अंदर विटामिन की कमी को पूरा करते हैं तो इससे आपको जो भी बीमारियां ग्रसित करती हैं विटामिन की कमी से, तो उसे आप बचा सकते हैं या रोक सकते हैं। दोस्तों जो ये लाइकोलिफ कैप्सूल है यह एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है। डॉक्टर इसे ज़्यादातर डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं क्योंकि यह शुगर फ्री कैप्सूल आता है, उसमें ज़्यादा डायबिटीज के पेशेंट को ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों यह लाइकोलिफ कैप्सूल जो है यह मैक्सिको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह लाइकोपेन मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल या जिंसेन कैप्सूल मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया। इसमें बहुत सारे कंटेंट मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया है, जैसे एनर्जी हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, फाइबर हुआ, और विटामिन B2 हुआ, विटामिन B1 हुआ, विटामिन सी हुआ, कैल्शियम हुआ, विटामिन B3 हुआ, विटामिन ए हुआ, फोलिक एसिड हुआ, विटामिन D3 हुआ, विटामिन B6 हुआ, विटामिन B12 हुआ, और आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कॉपर हुआ। इतने सारे कंटेंट मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया जो आपके शरीर के अंदर जितने भी विटामिन की कमी होती है यह लाइकोलिफ कैप्सूल जो है यह मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल है जो आपके अंदर जितने भी विटामिन की कमी हो जाती है उसको यह पूरा कर देता है। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो है यह मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल का जो कैप्सूल बनाती हैं उससे आपके अंदर जो भी प्रोटीन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, या मैग्नीशियम की कमी होती है, तो इन कैप्सूलों को खा करके आप अपने शरीर के अंदर जितने भी विटामिन या कैल्शियम की कमी होती है उसको पूरा किया जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग कर लिए हैं लेकिन आपका शरीर दुबला पतला रहता है, या आपको चक्कर आता है, या आपकी आंखों दुधलापन दिखता है, तो उतने समय आप मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल कैप्सूल का प्रयोग करके अपने शरीर को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों जब आपका शरीर बहुत दुबला हो जाता है या पतला हो जाता है या आपको चक्कर आए, तो उतने समय अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल कैप्सूल जो होता है उसको खाने की सलाह देते हैं। अगर आप कैप्सूल नहीं खा पा रहे हैं तो उतने समय आपको सिरप पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं। दोस्तों इस कैप्सूल को खाने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपके पेट में जलन हो सकता है, आपको पलटी हो सकता है, आपकी हड्डियां सूख सकती हैं। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सभी लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, किसी किसी लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उतने समय अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप घर ना बैठे तुरंत इस दवा को बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों यह लाइकोलिफ कैप्सूल जो है यह आपको किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर लगभग ₹150 का किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर यह लाइकोलिप कैप्सूल आपको नहीं मिल रहा है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर, तो आप किसी भी कंपनी का, अदर कंपनी का जो मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल कैप्सूल है उसे आप ले करके आप अपने शरीर के अंदर जो भी आयरन, फोलिक एसिड या पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन की जो भी शरीर के अंदर कमी है, तो उस कैप्सूल को लेकर के आप अपने शरीर के अंदर
सभी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इस कैप्सूल को आप अपने मन से ना ले, डॉक्टर के आदेश अनुसार या उनकी सलाह से इस कैप्सूल को लें। अगर डॉक्टर आपको एक टाइम खाने की सलाह दे रहे हैं तो आप एक टाइम खाइए, या दो टाइम खाने की सलाह दे रहे हैं तो दो टाइम खाइए, क्योंकि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख करके इस दवा को खाने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों इस दवा को आप अपने मन से ना खाएं, डॉक्टर से परामर्श ले लें, उसके बाद इस दवा को आप यूज करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहे। देर ना करते हुए वीडियो कहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।